मैं तो हूँ ना तेरी बहन। देखो ना मैं मानव हूँ और ना ही मेरी कोई बहन है। अब जाओ यहाँ से। बालवीर, बालवीर। अरे मेहर, तुमने मुझे बुला लिया। मैं तो खुद तुम्हारे पास आने वाला था ये बताने के लिए कि इस बार की होली तुम सबके लिए बहुत ही खास होने वाली है। नहीं बालवीर, खास नहीं, बहुत बुरी होने वाली है मेरी होली। क्यों मैं? क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सही कह रही हो बालवीर, पता नहीं मानव को क्या हो गया, वो सब कुछ भूल गया, उसे तो अपना नाम तक याद नहीं है और वो मुझे भी नहीं पहचान रहा है। मानो मेहर को भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? होगा, ऐसे ही होगा। अब हर बच्चा सारंगी के रंग से खुद को भी भूल जाएगा और अपने प्यारे बालवीर को भी भूल जाएगा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ आ गया? ए रुक रुक रुक, अभी बताती हूँ तुझे। कैसे आ गई? मैं यहाँ कैसे आ गई? और एक बच्चे की याद। मानव, मानव रुको, मानव, ये कैसा मजाक है? तुम मेहर के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? अरे कौन मानव, कौन मैं और तुम कौन है यार? पहले तो अकेली परेशान कर रही थी, अब इसने अपने दोस्त को भी बुला लिया। प्लीज, मैं तुम लोगों को नहीं जानता और वो जो कोई भी मानव है ना, अगर वो मुझे मिल जाएगा ना तो मैं उसको तुम्हारे पास भेज दूंगा, ठीक है? पर मानव पर। अरे राहुल, बेटा राहुल। अरे आप कब से सुन ही नहीं रहे हैं? मैं राहुल नहीं हूँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप तो पीछे ही पड़ गए। अरे बालवीर देखो ना, मेरा बेटा मुझे ही नहीं पहचान रहा है, कुछ करो ना बालवीर। मुझे नहीं पहचानता मेरा बच्चा। देखो ना बालवीर, हमारे बच्चे हमें नहीं पहचान रहे। ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? सारंगी कर रही है बालवीर, सारंगी के रंग कर रहे हैं, भयंकर परी की बुराई कर रही है। देखना, हम सब मिलके इस होली को बच्चों के जीवन की सबसे बुरी होली बना देंगे। सारंगी केरा करते बच्चों को तंग, बहुत तंग। चाल में कामयाब हो गए। अब ना तो कभी ये रंग छूटेगा और ना कभी बच्चे अपने प्यारे बालवीर को याद करेंगे। जल्द ही पृथ्वी के हर एक बच्चे पे चढ़ा होगा सिर्फ और सिर्फ सारंगी का रंग, सारंगी के रंग करते बच्चों को तंग, बहुत तंग। देखना भयंकर परी, बालवीर का अस्तित्व समाप्त होने से अब खुद बालवीर भी नहीं रोक पाएगा।
नहीं रोक पाएगा वो। बच्चे होली का सामान देकर इतना खुश हो जाएंगे। मानव चल बच्चों, मस्ती बांध। वेलकम बच्चों, आज हमारे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज है। वैसे आप लोग कौन हो? पहले तो ये लड़की मुझे खींच खींच के यहाँ पे लेकर आई और फिर बोलती है कि ये मेरी बहन है और उसके बाद बोलते है कि मैं तुझे तेरी फैमिली से मिलवाऊंगी। हाँ बच्चों, ये स्कूल से कोई नया गेम बना कर लाए हो क्या तुम लोग? नहीं भाई, अगर बच्चे कोई नया गेम खेलना चाहते हैं तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। चलो भाई, आप लोग ये गेम खेलना चाहते हो ना कि याददाश्त गुम हो गई? मैं याददाश्त वापस दिलाता हूँ। मैं हूँ मानव का पापा महेश अमृतलाल डगली और ये है मानव की मम्मी स्मिता महेश डगली। और मैं हूँ रॉकी अमृतलाल डगली। और मैं रुकिए, मानव का गेम नहीं खेल रहा, मानव को सच में कुछ याद नहीं है। बच्चों, तुम लोगों को तुम्हारा सरप्राइज देखना है? ये देखो होली का सारा सामान। और अगर इसके अलावा तुम लोगों को कुछ भी चाहिए तो सीधे सीधे बता दो, लेकिन ऐसे नाटक करके अपनी कोई भी जिद पूरी करवाने की कोशिश मत करना वरना पूरी हो जाएगी। नहीं, किसी की कोई जिद पूरी नहीं होगी। लेकिन माँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मानव सब कुछ भूल गया है। अगर ऐसा ही है ना तो ये होली का सामान भी भूल जाना। अभी खेलना बंद करो, जाके हाथ मुंह धो और ये रंग निकालो। एक मिनट, अभी तो आपने कहा कि आप दोनों मेरे मम्मी पापा हो, फिर आप दोनों कौन हो? ये भी मम्मी पापा है। अगर आप दोनों मम्मी पापा हो तो ये किसके मम्मी पापा है? मैं बताता हूँ। देखो, ये दोनों तुम्हारे मम्मी पापा है, ये मेरे मम्मी पापा है। अरे वाह, इस गेम में तो बड़ा मजा आ रहा है, और खेलते हो? रॉकी चाचू, मैंने कहा ना, मानव सच में गेम नहीं खेल रहा है। मेहर, बहुत हो गया, अब दोनों अपने कमरे में जाओ और हाथ मुंह धो लो। इनको मेरे ऊपर ऐसे विश्वास नहीं होगा, मुझे बालवीर को बुलाना होगा। मेहर जाओ। चल चल चल। ये बच्चे भी ना। अरे ये भाई इधर। निकल गया। अरे मेरा रंग निकल ही नहीं रहा है। क्या? हाँ। देख मानव, ठीक से साफ कर, निकल जाएगा। अरे मैंने साबुन से भी साफ किया फिर भी ये नहीं निकल रहा है। क्या? ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैंने भी मुंह धोया और मेरा रंग तो यूं छूट गया, फिर तेरा क्यों नहीं हो रहा है? देख मानव, फेंक मत, ठीक है? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? ठीक है, इतने गुस्सा मत कर, अब हमें काम करते हैं, हम लोग बालवीर को बुलाते हैं। चल। बालवीर? अरे यार ठीक है, तू मत बुला, मैं बुलाती। बालवीर! बालवीर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वीलोक के बच्चे एक एक करके अपनी याददाश्त खो रहे हैं। भयंकर परी ही ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो अपनी बुराई को फैलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। भयंकर परी? बालवीर, क्या आपको पूरा यकीन है कि इसमें भयंकर परी का ही हाथ है? हाँ विजदार परी, क्योंकि बच्चों पर मेरा जादू भी नहीं चल रहा है, और ऐसा बुरा खेल तो सिर्फ और सिर्फ भयंकर परी ही खेल सकती है। लेकिन बालवीर, भयंकर परी को ये सबसे क्या फायदा होगा? फायदा होगा कहीं परियों, भयंकर परी बुराई से भरी हुई है और वो बालवीर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। लेकिन बालवीर बच्चों के सबसे अच्छे मित्र है और पृथ्वी लोक के सारे बच्चे बालवीर के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी वो किसी मुश्किल में होते हैं तो वो बालवीर को आवाज देते हैं और बालवीर उनकी मदद करने के लिए पृथ्वी लोक पर जाते हैं।
हाँ, लेकिन अब जब बच्चे बालवीर को ही भूल जाएंगे तो फिर बच्चों के मन में बालवीर का कोई विशेष अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और भयंकर परी अपनी ये बुरी चाल चलकर शायद यही चाहती है कि बालवीर का अस्तित्व हमेशा के लिए मर जाए। हाँ बालवीर, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। बालवीर, मेरी बेटी को बचा लो, पता नहीं इसे क्या हो गया है, क्या हो गया है, मेरी बच्ची मुझे पहचान नहीं रही। बालवीर, बालवीर, मेरी बेटी को बचा लो, पता नहीं इसे क्या हो गया है, क्या हो गया है, मेरी बच्ची मुझे पहचान नहीं रही। बालवीर, मेरी बच्ची करो बालवीर। रानी परी, पृथ्वी लोक से कई सारे लोग मुझे पुकार रहे हैं लेकिन वो बच्चे नहीं है। तो फिर बालवीर, हम जानते हैं कि वो कौन है, हम जानते हैं कि वो कौन, हम जानते हैं कि वो कौन। परियो चलिए हमारे साथ। ज्यादा देर नहीं सुनाई देगी ये आवाज। चाहे सब बच्चे भूल जाए बालवीर को, पर नहीं भूलेगी ये मेहर कभी उसको। सच्चे और अच्छे बच्चे हैं ताकत बालवीर। मेहर जैसे बच्चों के दिल में है रहता बालवीर। सारंगी परी, हो समझती तुम जितना आसान, पर है नहीं उतना आसान बालवीर की याद को मिटाना इन बच्चों के दिल से। नहीं, के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं इस मेहर को सब कुछ भुला दूंगी। नहीं भुला पाएगी अपने बालवीर को फिर ये सारंगी के रंग, सारंगी के रंग कर दे सबको तंग, सबको तंग, सबको, सबको। अभी बालवीर आएगा और वो तुझे ठीक कर देगा, ठीक है? बालवीर, बालवीर, बेटा देखो होली को अभी टाइम है, अभी चलो। रॉकी भैया क्यों परेशान कर रहे हैं बापू? अरे लेकिन ये खाली है। क्या हुआ दादाजी? मेहर मुझे पुकार रही थी, सब ठीक तो है ना? लो बच्चों का मजाक फिर से शुरू हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मेहर मजाक कर रही थी कि मानो की याददाश्त चली गई। लगता है उसी मजाक मजाक में तुम्हें भी बुला लिया। रुकिए दादाजी, मानो कोई मजाक नहीं कर, 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 मानो कोई मजाक नहीं कर। मानो की याददाश्त, मानो की याददाश्त में चली गई, याददाश्त में चली गई, याददाश्त में चली गई। वो सचमुच सब कुछ भूल गया, सचमुच सब कुछ भूल गया, सचमुच सब कुछ भूल गया। और सिर्फ मानव ही नहीं, कई सारे बच्चे हैं जो मानव के साथ साथ इस भूलने वाली बीमारी का शिकार बन चुके हैं। आप
ये सब क्या हो रहा है? अब क्या होगा? मेरा मानव तो ठीक हो जाएगा ना? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं मानो और बाकी बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन अब सबसे पहले हम मेहर से चलकर पूछते हैं कि वो मुझे क्यों पुकार रही थी। चलिए चलिए। बालवीर आएगा माना और वो तुझे ठीक कर देगा। नहीं कोई कुछ नहीं करेगा मानव। अरे अब आप कौन है? मैं सारंगी। अब मेरे रंग करते बच्चों को तक। देखो वहीं रुको और जाओ यहाँ से, वरना मैं बालवीर को बुलाऊंगी और अगर वो आ गया वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, समझी? जाओ यहाँ से। बालवीर यहाँ आ भी गया तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम उसे कुछ नहीं बता पाओगी। जैसे ये सब कुछ भूल गया है वैसे तुम भी सब कुछ भूल जाओगी। हर बच्चा भूलेगा बालवीर को। मेरे रंग करते सबको तंग। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। हिमाचल के अभिनव शर्मा, दिल्ली के मुकुल अरोरा, ग्वालियर के साजन गुप्ता, न्यू दिल्ली के शाहबाज खान, हरियाणा के नमन मोंगिया, गुजरात के जितेंद्र सोलंकी, पुणे के आकर्ष गोलाटी और यूपी की ऋषि सिंह, इन सभी बच्चों ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा जरूरतमंद लोगों और बुजुर्गों को सड़क पार करने में मदद करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए। समय आ गया है आज खास पत्र का, तो आइए देखते हैं उसे। दोस्तों ये है आज का खास पत्र जो हमें लिखकर भेजा है यूपी की साइमा मिर्जा ने। बहुत अच्छे साइमा, आपने बहुत ही खूबसूरत पत्र बनाया है। बच्चों इसी तरह सच्चे और अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।